बिजनेस में तुमने कोई गड़बड़ की है और आपके पास जो बिजनेस के चौपड़े होते हैं ना, दो नंबर की बहुत एंट्री है। मैं अलग बात करना चाहता हूँ और इनकम टैक्स ऑफिसर से आप पर एक फोन आया, आज से बिल्कुल 30 दिन के बाद हम आपके वहाँ सब टीम लेकर के आने वाले हैं। बराबर प्रवीण, कितने बाद? 30 दिन के बाद। और दूसरी बात बताइए, नॉट बिफोर 30 डेज, 29वें दिन नहीं, 30वें दिन पक्के आएंगे। 29वें दिन अभी नहीं आएंगे मगर 30वें दिन पक्के आएंगे। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, एक तो आपने देखा कि आपके पास रॉन्ग एंट्री बहुत है और उसने 30 दिन का बोल दिया है। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, 30 दिन में आप बाजार में माने होटल में जाएंगे, पिक्चर देखेंगे? नहीं, क्या क्या करेंगे राकेश, क्या करेंगे? बराबर, आपको बिल्कुल विश्वास बैठ गया। भाई यही मैं कहना चाहता हूँ, आपने ये सोचा गुरुदेव 30 दिन का, ये तो कभी होता ही नहीं है, मगर भगवान की कोई परम करुणा के उसने बोल दिया कि 30 दिन के बाद हम आएंगे दावा के साथ, और 30 दिन के पहले निश्चित तौर से नहीं आएंगे। तो अभी आपको कोई पिक्चर की, होटल की, किसी की भी बात करें, आपको लगेगा सब कुछ ख़त्म करो। नंबर एक, ये एंट्री सब क्लियर कर दो, क्योंकि इतनी बिगड़ी हुई एंट्री है कि क्लियर करने में भी 30 दिन आपको कम पड़ता है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, इतनी बिगड़ी हुई एंट्री है कि जिनको क्लियर करने में आपको 30 दिन कम पड़ता है। और 30 दिन तुमने एंट्री क्लियर कर दी, फिर क्या हो सकता है मालूम है अनिल? तू सामने से फोन कर सकता है, यू आर वेलकम, आप कभी भी आओ। और अभी आना चाहते हो तो अभी भी आओ, 29वां दिन नहीं बोलेंगे, 30वें दिन आएंगे, और तूने सामने से बोल दिया वेलकम। ये जिन शास्त्र का अद्भुत पदार्थ, कोई भी कर्म में जब बंद होता है तब उदय में आने के पहले बीच में गैप मिलता है, 100% गैप। चाहे आप परमात्मा की पूजा करो, चाहे किसी का मर्डर करो, चाहे गाली बोलो, चाहे परमात्मा की स्तुति बोलो, कोई भी कर्म आपने किया है वो उदय में आने के पहले उसके बीच में गैप आपको 100% मिलेगा, 100%। इस गैप को शास्त्रीय शब्द में अबाधा काल बोलते हैं, अबाधा काल। अबाधा, बाधा माने पीड़ा, डिस्टर्ब, अबाधा माटे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? आपने गाली दे दी, गाली देने से तुमने जो भी कर्म का बंद किया वो एक गैप तो मिला आपको। ये कर्म अभी तो उदय में 100% नहीं आने वाले है, माने थोड़ा समय तो आपको गैप मिल गया। ये है अबाधा काल, डिस्टर्ब नहीं। अबाधा, बाधा माने पीड़ा, डिस्टर्ब नहीं करे वो समय। मैंने जब आपको बोला इनकम टैक्स ऑफिसर ने आपको बोला, माने 30 दिन का समय मिला था वो क्या था? अबाधा काल था। रिपीट, आपको 30 दिन का जो समय मिला था वो अबाधा काल था। तो अबाधा काल का आपको जो समय मिला, वो समय में तुमने क्या काम किया? हर एंट्री आपने क्लियर कर दी। आपको पता था 30वें दिन तो आने वाले हैं ना, इनके पहले जो मुझे टाइम मिला है वो टाइम में सब ठीक ठाक कर लूँ, ताकि जब आवे तब मुझे कोई दिक्कत नहीं। भगवान कहते हर कर्म उदय में आने के पहले अबाधा काल मिला है। तुम मुझे पूछो मानस से धर्म क्यों करना, इसके लिए अबाधा काल का सही उपयोग कर लो, ताकि सब एंट्री अपनी क्लियर हो जाए। चारित्र के मार्ग पे निकले इनका एक ही कारण है, अबाधा काल का उपयोग। वो कर्म जब उदय में आएंगे, भगवान महावीर का कर्म 17वें भूमि में जो लगाया था वो भगवान महावीर के भूमि कान में किला ठोकने के बाद आया, मगर ये बीच में गैप मिला था। अभी मैं आपको पुनः जाता हूं, हमारी एंट्री गलत है तो वो तो मानते हो ना, मैं भी मानता हूं ना, हर एंट्री गलत है। आंख, नाक, कान, पैर, मन, सब कुछ हमने गंदा और गलत करके रखा है। और ये कर्म जब उदय में आएंगे तब पता नहीं कि क्या क्या हो जाएगा। भगवान बोलते कि दोस्त अभी वो कर्म उदय में नहीं आए, मैं कहना चाहता हूं अबाधा काल तुझे मिला है। ये प्रकृति की व्यवस्था है कि कोई भी कर्म उदय में आने के पहले बीच में तुम्हें थोड़ा टाइम मिल जाता है, वो टाइम का तुम उपयोग क्या करते हो उन पर निर्भर है। एक महीने का समय मिलने के बाद भी तुम होटल और वीडियो देखते थे, फिर तो आपकी जेल पक्की है। ये अबाधा काल का समय मिला फिर भी तुम धर्म नहीं करना चाहते हो और पाप छोड़ना नहीं चाहते हो, फिर आपके सर पे दुख 100% पक्का। आंख सही है तो अबाधा काल है, परमात्मा को देख लो। पैर चलते मिला है अबाधा काल, कभी फ्रैक्चर हो सकता है।
तभी गैदरिंग हो जाएगा, तब पता चलेगा भगवान ये क्या हो गया, होने वाला ही था। और एक बात बताना चाहता हूँ, इनकम टैक्स ऑफिसर ने तो 30 दिन का वादा दिया था, हमें मालूम नहीं 30 दिन हो गए, 30 सेकंड होगी या 30 साल होगी, सब सस्पेंस है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।